नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल माता राम सेवा में आपका स्वागत है। सोल की समस्या से कैसे आप छुटकारा पाएंगे, इसके लिए बताएंगे आपको। सोल से आप कैसे निदान पाएंगे, गंभीर समस्या कभी कभी बन जाता है, तो कैसे समाप्त करेंगे इसके बारे में बताएंगे। सोल की समस्या से कैसे आपको निजात मिलेगा, पीत वाला सोल को कैसे आप समाप्त करेंगे, जो पीत जैसा मल के द्वार से निकलता है, इससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ से बाहर हो जाता है कि सूल है या क्या है, तो आपको पहचान ले। अगर उजला फिन फिन टाइप का हो तो समझ जाए कि तो पीत सूल को कैसे आप नष्ट करेंगे, इसके लिए हम आपको बताएंगे, इसकी समस्या से कैसे आप निजात पाएंगे। तो सूल अनेक तरह का है, इसमें से पीत सूल के बारे में आपको बता रहे हैं। ये एक चम्मच शुद्ध हरे पेड़ का छाल का पाउडर लिया हुआ है। इसमें हम एक चम्मच शुद्ध रावा गुण ले लेते हैं, जो हम ले रहे हैं। इसमें एक चम्मच ये शुद्ध रावा गुण है, और ये जिनको सूल की समस्या है, जिनको सूल से बहुत परेशान है, उनके लिए इन औषधियों के द्वारा अच्छी तरह से उनका भरपूर आयुर्वेद चिकित्सा की जाएगी। सूल से जो परेशान है उनके लिए ये औषधि बहुत ही फायदेमंद है। हरे पेड़ का छाल का पाउडर ले लें, या उसको सील पर आप पीस दें और ऊपर से गुड़ साथ में दोनों पीस दें, या दोनों को अच्छी तरह से मिला दें, जिनको सूल की समस्या है उनके लिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में हर तरह के नए नए चीज मिलते रहते हैं, इसका फायदा आप ले लें। दोनों औषधि मिल चुके हैं, और इसमें जिनको सूल की समस्या है उनके बारे में बता देते हैं कि वो सुपाच्य खाना ले लेंगे, हल्का खाना ले लेंगे, तेल मसाला इत्यादि बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि पेट गर्म हो जाने के चलते उनको मल द्वार से कसाने शुरू हो जाता है, क्योंकि पीत गबड़ाया जाता है। पीत गबड़ाता है तब उनको पीत जैसा होता है, तो पीत की समस्या उनको गंभीर उत्पन्न हो जाता है। आप परहेज में रहेंगे, शुद्ध खाना, हल्का खाना, सुपाच्य खाना लेंगे, हल्का खाना खाएंगे, हल्का हल्का सुपाच्य चीज खाएंगे, जिससे आराम से पच जाए। तेल मसाला इत्यादि बिल्कुल आप सेवन नहीं करें, गर्म पदार्थ बिल्कुल आप सेवन नहीं करें। अब इसमें हम एक चम्मच शुद्ध घी ले ले रहे हैं, शुद्ध घी, एक चम्मच शुद्ध घी इसमें मिला चुके हैं हम। अब अच्छी तरह से सभी औषधियों को हम तीनों को मिला देंगे। देख ले, एक चम्मच गुड़ है मीठा, और एक चम्मच हरे पेड़ का छाल का पाउडर है, और शुद्ध घी है एक चम्मच। इन तीनों औषधियों को हम एक जगह एकत्रित मिला देंगे, एक साथ मिला देंगे। देखिए, अच्छी तरह से ये मिल गया औषधि, सभी औषधियों को, तीनों औषधियों को अच्छी तरह से मिला दिए हैं। अब ये सूल की समस्या जिनको पीत वाला है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है आयुर्वेद में, इसको आप सेवन करवाओ। जिनको पीत सूल जिनको है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, मल के द्वार से आता है उनके लिए। उनको सुपाच्य खाना खिलाएं, उनको हल्का खाना खाना दें, उनको गर्म पानी पिलाएं, क्योंकि उनको जल्दी से आराम मिल जाए। और इन औषधियों को जो बताए हैं आपको, एक चम्मच हरे पेड़ का छाल का पाउडर है, या हरे चीर, आप हरे पेड़ का ताजा छाल ले आए, उसको पीस दें और गुड़ के साथ में पीस करके एक चम्मच घी डाल दें, और तीनों को आप उसको खिलाएं। दिन भर में तीन बार आप सेवन करवाएं, बिल्कुल आपको सूल की जो समस्या है पीत वाला वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और निरोग हो जाएगा। इन औषधियों के लिए आप हमेशा लाभ लेते रहें। आयुर्वेद में, शुद्ध आयुर्वेद में किस तरह के कोई इसमें केमिकल नहीं है, आपके सामने बनाया गया, क्योंकि यहाँ मरीज देखा जाता है, रोगी देखा जाता है, यहाँ दूर दूर से मरीज आते हैं और इसका फायदा लेते हैं आयुर्वेद चिकित्सा में। यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा है, यहाँ देखिए इस तरह का यहाँ सेवा मिलता है लोगों को, और इसमें अनेकों तरह की समस्या से निदान किया जाता है जो आपके सेवा में दिया जाता है, और आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा आपको ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस औषधियों को आप हमेशा सेवन करें। जिनको सूल की समस्या है पीत वाला, वो हमेशा इस औषधि को सेवन करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।